क्या आपके हाथ में एस एस बी कॉल लेटर है और अभी भी आपको नहीं पता है कि इस कॉल लेटर का करना क्या है अब तो कॉल लेटर हाथ में मिल गया है एस एस बी इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं लेकिन करना क्या है इंटरव्यू में बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस क्योंकि आज के सेशन में हम आ चुके हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा एस एस बी इंटरव्यू के लिए आपको करना क्या है अब जब आपके हाथ में कॉल लेटर है तो वट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर नाउ दैट यू गॉट द नाउटी कॉल लेटर टू अटेंड योर एस एस बी इंटरव्यू सो वेलकम बैक टू एस एस बी क्रैक एग्जाम का मैं हूं अनुराधा और इस सेशन में आपको बिल्कुल सेशन के लास्ट तक देखना है क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कॉल लेटर के बाद आपको किस तरह एस एस बी इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करना है तो पहला चीज जो आपको हमेशा याद रखना है वो है कि कॉल लेटर आ चुका है एस इंटरव्यू क्या है आपको पता लगाना इंपॉर्टेंट है राइट सो यू हैव टू टू नो द द एंटायर पैटर्न ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम ए जेड तो किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए पहले क्या जानते हैं हम लोग उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं राइट मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहे हो उनके सिलेबस के बारे में आपको नहीं पता तो एग्जाम कैसे दोगे सिमिलर वे में आपको अगर एस एस बी इंटरव्यू जाना है तो उसके बारे में आपको ए टू जेड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा कि कौन से स्टेप्स मुझे अटेंड करना है किस तरह टेस्टिंग प्रोसीजियर होते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ सो ऑलवेज यू शुड नो वट शुड बी आस्ट टू यू वट टास्क विल बी कंडक्टेड एंड हाउ यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर गेटिंग द इल्युएशन फॉर दीस फाइव डे पीरियड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज ब्रश अप ऑन योर जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एस एस बी इंटरव्यू के हर एक स्टेप में जनरल नॉलेज के यूज आता है तो अगर आपके मन में अभी भी सवाल है कि क्या मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा क्या मुझे जनरल नॉलेज के लिए बारे में यू नो डिटेल में जानना पड़ेगा तो येस आप लोग जाग जाइए जनरल नॉलेज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एस एस बी इंटरव्यू तो सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं करंट अफेयर्स के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ दी ग्रुप टास्क इवन इट ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप टास्क आपको जो है करंट अफेयर्स और ग्रुप यू नो जनरल नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है तभी आप उन सारे टास्क में पार्टिसिपेट कर पाओगे नॉट ओनली दैट पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं फ्रॉम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज रिवाइज योर एकेडमिक तो आप जो भी पढ़ रहे हो जहां पे भी आप हो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो या फर्स्ट ईयर में हो तो उस एकेडमिक्स को आपको थोड़ा ब्रश अप कर लेना है क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली अगर आप डायरेक्ट यानी कोई टेक्निकल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं और आप जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पढ़े हो या फिर जो आपके सिलेबस में थे या फर्स्ट ईयर में जो कुछ भी पढ़ रहे हो या सेकेंड ईयर में जो कुछ भी पढ़ चुके हो वो सारी चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा तो तो आप जो भी चीज पे ग्रेजुएट कर रहे हो या जो चीज का पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में बेसिक चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री स्पोर्ट्स और आर्म फोर्सेस के बारे में भी आपको जीके वाले नॉलेज जो है वो पूछा जा सकता है नेक्स्ट थिंग टू डू इज टाइम मैनेजमेंट और ये मैं हर एक सेशन में बताती हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्योंकि एस एस बी इंटरव्यू में ना ही आपको कोई वॉच पहनने के लिए अलाउ किया जाएगा और ना ही किसी भी वॉल में आपको क्लॉक दिखेगा तो टाइम आपको खुद से मैनेज करना है और दैट इज वाइट टाइम मैनेजमेंट आपकी रगो में बहनी चाहिए और इसके लिए आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है मैं इससे पहले भी सेशन में बता चुकी हूं कि किस तरह आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है तो आप वो टाइम टेबल वाला जो सेशन है उसको देख सकते हो

इन सारी चीजों को याद करके और इन चीजों को नजर में रखते हुए आपको अपनी रूटीन बनाना है और सिर्फ रूटीन नहीं बनाना उसको आपको ट्राई टू करना है फॉलो करने के लिए इससे क्या होगा आपको टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत आसानी हो जाएगी और आपके काम भी बहुत स्मूथली चल जाएगा नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है वो है टाइम टेबल बनाना एंड दिस इज वेयर आई वॉज टॉकिंग ऑफ टाइम मैनेज करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना ही होगा और उसके लिए आपको हर एक दिन में आप क्या क्या काम करने वाले वो पहले से प्री प्लानिंग करके रखिए प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स ठीक है तो प्लानिंग करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ टाइम टेबल ही मत बनाना पर ये भी सोचना कि कल क्या करना है या परसों क्या करना है या इस वीक क्या करना है ठीक है सो ट्राई टू मेंटेन अ टाइम टेबल ट्राई टू प्लान द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल एंड ट्राई टू यू नो कोप विद इट ओके ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ विद व्हाटएवर यू आर प्लान राइट तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस आपको पता है एस इंटरव्यू में बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको अपनी प्रैक्टिस रखना है सारे टेस्ट के लिए और अगर आप सोच रहे हो कहां से प्रैक्टिस करेंगे डोंट वरी वी हैव एन एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें हम हर एक टेस्ट के रिगार्डिंग आपको लेक्चर स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए हैं जिससे आप प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हो इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि यू नो दैट इन दी डिफेंस बैकग्राउंड आपको अगर ऑफिसर बनना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू शुड बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ताकि वो आपकी बातों को अच्छे से समझ सके तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको यू नो डेवलप करना है ताकि विदाउट एनी तो आप किसी भी तरह कर सकते हो जिम करके या रनिंग करके या योगा करके या कुछ भी तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग दीज थिंग्स इन प्रैक्टिस एंड यूर गोइंग ऑन प्रैक्टिसिंग नॉट ओनली रिटर्न स्टाफ

ऑनलाइन कोर्स इन एंटायर मार्केट फॉर योर एस एस बी इंटरव्यू प्रेपरेशन कोर्स को ज्वाइन करते ही बहुत सारे कि सिर्फ ये को करके वो इजिली अपने एस एस बी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प में क्रैक कर चुके थे और एज रिकमेंडेशन हासिल कर चुके हैं तो अगर आप करना चाहते हो ऐसे ही विदआउट यू नो डूइंग मच सेल्फ स्टडी जस्ट ब्रैंक

एस इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगा इसके साथ साथ अगर आप ब्रिटेन कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे ऐप में कोर्सेज अवेलेबल है यू कैन जस्ट टेक द कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन एंड वेन एवर यू आर गेटिंग यूर सेल्फ एनरोल टू एनी कोर्स यूज द कोड बॉडी टेंट जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स में सो आई होप जो मैंने इस सेशन में आपको बताया कैसे कॉल लेटर मिलने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है वो आप जरूर यूज करोगे एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू वेरी सून टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एसएसबी क्रैक एग्जामस ऑलवेज एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू NDA CDS AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं